आइए देखते हैं हफ्तेवार स्टेज शो आदाबर्स। मौजू है ड्रामा निगारी, मेजबान है अनवर मकसूद और पेशकश कासिम जलाली की है। इसके लिए हमारे साथ तआवुन किया है न्यू कैमे कलेक्शन ने। अदावत अनवर मसूद आपकी खिदमत में। आज का मौजू है ड्रामा निगारी। उर्दू अदब में ड्रामे तो हैं मगर कम, जितने और जबानों में हैं उतने हमारे यहाँ नहीं। रेडियो और टेलीविज़न का एहसान है कि हमारे यहाँ बहुत बड़े ड्रामा नवीस पैदा हुए, बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे लिखे। अब हमारे यहाँ भी ये ड्रामे अदब का हिस्सा बन चुके हैं। आज मेरे मेहमान हैं फातिमा सुरैया बजिया, कमाल अहमद रिजवी, हसीना मोइन, हमीद काश्मीरी। आप सब अच्छी तरह जानते हैं इनको, देख भी चुके हैं कई प्रोग्रामों में, इनकी तहरीरें पसंद करते हैं, इनसे मोहब्बत भी करते हैं। बजिया, 30 साल हो गए टेलीविजन को, आपने इसको तरक्की करते हुए देखा। टीवी के बारे में मतलब आप जिस तरह लिखती हैं कुछ कहेंगी? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान टेलीविज़न जब उसका आगाज़ हुआ है तो ये एक ऐसा मिसाली इदारा था कि जिसमें जो लोग इब्तदा में यहाँ पे आए हैं वो नहायत ज़हीन और एक रवायती तहजीबी अखलाकी पस मंज़र वाले लोग, जिन्होंने बहुत सी बातें सोच के उनका तारुफ़ करवाया, क्योंकि जाहिर है कि ये स्क्रीन इतनी ताकतवर है कि इसके असरात देखने वाले पे फौरन मुरतब होते हैं, रेडियो के भी होते हैं, लेकिन ये कि ये रेडियो से कहीं ज़्यादा ताकतवर मीडिया है। उन लोगों ने बड़े शऊर के साथ इसको शुरू किया और मैं तो जाहिर बात है कि ड्रामा निगारी के बारे में शायद कभी सोचा भी नहीं था, लिखती ज़रूर थी लेकिन ड्रामा निगारी के बारे में कभी सोचा नहीं था। मुझे जब बुलाया गया तो मुझे पहले तो यकीन नहीं आया कि मैं लिख भी सकूंगी या नहीं लिख सकूंगी, लेकिन उन लोगों की हिम्मत अफजाई और उन लोगों की एक तरह से रहनुमाई, टेक्निकल रहनुमाई, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि टेलीविज़न चीज़ क्या है, आज भी नहीं मालूम है, लेकिन ये बताना कि इस तरह करना, तो वो जी उनकी उनके खलूस, उनकी मेहनत और उनकी उस दयानतदारी की वजह से ये इदारा 30 साल तक बड़ी अच्छी तरह चलता रहा है कि जो उन लोगों का था। जिस तरह की आप लिखती हैं ख़ानदानों के बारे में, पुराने कल्चर, तहजीब, जो कि अब मेरे ख्याल में वो रिवाइव हो रही है, वो अच्छी बात है कि आप जिस तरह शादी करती हैं और आपके झगड़े ख़ानदानी और जो भी आप दिखाती हैं वो अब झगड़े दोबारा शुरू हो रहे हैं ख़ानदान में, बीच में नहीं हुए कुछ दिनों। कमाल, आप कुछ बजिया की तहरीरों के बारे में बताएंगे क्योंकि आप बिल्कुल मुख्तलिफ लिखते हैं। बजिया की तहरीर से मुझे अपना वो ज़माना याद आता है बचपन का, जब मैं ये मुस्लिम सोशल फिल्में देखा करता, उसमें बाकायदा और बड़ी एक मुसलमानों के वो जो एक पस मंज़र था उनकी तहजीब का, उसको 2-4 डायरेक्टर ऐसे थे इंडिया के जो जिन्होंने उसको मोनोपोलाइज कर लिया था और उनकी फिल्में मुसलमान कौम तो उसके ऊपर फदा थी, तो उनको ऑडियंस में मुसलमानों के तरफ से तो सारे वोट उनके पास थे। बाकी ये है कि चूँकि धार्मिक फिल्में भी चलती थी शाना बशाना उनके, तो उनकी भी ऑडियंस थी, तो ये चीज़ जो एक रवायत जो थी और जो चलती है रहने चाहिए, मतलब कि उससे हमें अपना वो ढूंढने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती कि साहब हमारी तहजीब क्या थी। अब ये बताए समझाएं आप आज के बच्चे को कि बेटे हमारी तहजीब में ये था। तहजीब का मतलब ये नहीं कि पानदान और सरौता है या ये है और वो है, उठने बैठने का, चलने फिरने का, बोलने का, अदब का, आदाब का, ये तमाम चीज़ें जो हैं उस ज़माने में हमको फिल्मों से, जो मुस्लिम सोशल फिल्मों से मिलता था कि जब आप मुसलमान खानदान के बच्चे हैं तो आप जरा इससे आप सीखें। अच्छा, आप जैसा लिखते हैं कमाल, आपने तो पूरी कोशिश कर ली कि 50 बरस होने को आ गए हम, अपनी सालगिरह मना रहे हैं,
गोल्डन जुबली पाकिस्तान की इंशाल्लाह। तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा इस गोल्डन जुबली के बनाने तक मुल्क में। आपने तो बड़ी कोशिश की कि हालात ठीक हो और बेईमानी ख़त्म हो और फला हो, क्योंकि हर जो भी चीज़ आपकी आई टी वी पर, जो भी खेल आया, जो तहरीर आपकी आई, उसमें आपने बड़ी कोशिश की। तो आप थक गए क्या यार? नहीं, थक नहीं गए। मैं कल देख रहा था जोहरा आपा का एक सुखनवर, सुबह में चल रहा था, ऐसे ही खोला तो चल रहा था, उसमें बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि अपनी मालूमता का खबरदार होना, अल्फाज उनके कुछ और थे, अपने मालूमता जो हैं आपके पास उनसे आप खबरदार हैं कि नहीं, ये आपकी तहरीरों की अपनी खुद ज़ात के की पहचान से है कि आपको एक चीज़ लगती है कि हाँ साहब, इस माशरे में जो आप ये लिखेंगे ये काबिल कबूल है या नहीं है, आप तो आपके अपने लिए पहले, फिर आप उसका तज्जिया करते हैं बैठ करके लिखने के बाद या लिखने से पहले आप सोचते हैं कि क्या लिखना है, उसके बाद में जब आप जहन में उसकी वो एक जगह बन जाती है, उसकी सतह कायम हो जाती है, तो फिर आप कलम उठाते हैं, उसमें बार दफ़ा कामयाब होते हैं, बार दफ़ा अपना काम हो जाता है। तो उनका कहना ये था कि आदमी खुद अपना मुनसिफ खुद है, उसको पता होता है कि ये चीज़ मैं दूँ कि ना दूँ। तो मेरे साथ ये है कि मैं इंसाफ करते करते बूढ़ा होता जा रहा हूँ अपने आप के साथ, और बाकी ये है कि ये भी मैं चाहता हूँ कि हमारे माशरे में भी इंसाफ हो, राइटिंग में भी इंसाफ हो। तो ये इंसाफ की जो ये जस्तजु मैंने पकड़ ली है, ये वैसे पुरानी होती जा रही है, मुझे खुद बहुत दफ़ा बड़ी शर्मिंदगी होती है कि ये मैं कहाँ किसी चक्कर में फंस गया हूँ, लेकिन अब इससे निकलने का मुझे रास्ता कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ कि मुझे समझाएं कि मैं निकलूँ कैसे। अब मतलब ये कि मुझसे कोई ऐसी तहरीर लिखना कि चूँकि आप लोगों ने इज्जत दे दी मुझे, इतनी ये कहा कि साहब ये साहब लिखते हैं, इनका प्रोग्राम ज़रूर देखना है, ये मैंने सोचा कि ये लोगों की ख्याल है, वो गलत ही हो मेरा प्रोग्राम देख के, वो अगर गलत साबित हो जाए तो दैट विल बी वेरी शेमफुल फॉर मी। और उससे मैं बचते 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 यहाँ पर आके आपके पास एक मतलब है कि कमज़ोर इंसान बैठा हूँ। अच्छा, उल्टे हाथ पे आपकी एक और खातून बैठी हैं, मेरे उल्टे आपकी तरफ, तो उनके बारे में बताएं। हसीना मोइन का बहुत कंट्रीब्यूशन है, टेलीविज़न के ड्रामों में बहुत नाम है इनका, और एक ख़ास तबके के लिए इनके खेल जो हैं, वैसे मतलब ये कि सोफिस्टिकेटेड माहौल की चीज़ें लिखती हैं ये, और उनका ताल्लुक जो है मेरे ख्याल में अफसानवी ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ टेलीविज़न पर अफसानवी रंग जो है वो ड्रामाई रंग से, और टेलीविज़न माफ़ कीजिएगा बना ही जो है अफसाने से है, यहाँ पहले पुराने अफसाने लिख पकड़ करके तो उसके ड्रामे बनाया करते थे। तो वो जो फसानवी के किरदार होते हैं वो रियल कैरेक्टर्स नहीं होते, वो अफसाने के कैरेक्टर्स होते हैं, लगते हैं कि करीब है, जैसे प्रेमचंद के अफसाने हैं, वो लगते हैं कि किरदार हमारे इर्द गिर्द के हैं, लेकिन वो है कि प्रेमचंद का कैनवस अपना है। तो इसी तरह सीना मोइन साहबा का जो कैनवस है वो अगरचे महदूद है, लेकिन उसमें जितनी वसत ये पैदा कर सकती थी एक स्टाइल में, एक असलूब में, और उसमें पथोस भी आता है, आदमी मुतासर होता है उसमें, उसमें कुछ कस्टमरी चीज़ें भी होती हैं, उसमें जो एक एक ख़ास तबके की जो है अना को कायम रखने की एक वो है रवायत, और उस तबके की जो नुमाइंदगी ये करती हूँ, मेरा ख्याल इससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। जो कह रहे हैं ठीक है, नहीं यकीन सही कह रहे हैं, कमाल साहब ने मुझसे बहुत पहले लिखना शुरू किया है, और जिस तरह का उन्होंने लिखा है वो मुझसे बहुत बेहतर लिखा है, क्योंकि उन्होंने बड़ा पॉजिटिव अंदाज़ अख्तियार किया था और माशरे को सुधारने की हल्की सी कोशिश की। और कमाल साहब, इसके लिए आपको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ कर नहीं सके, आपने बहुत कुछ किया है, क्योंकि जो छोटी छोटी बातें आपने लोगों को दी हैं वो उनके जहनों में और उनके दिलों में रह गई हैं, और ये आगे बढ़ती हैं, फैलती हैं, ये वहीं रुक नहीं जाती हैं, और एक इंसान पूरे माशरे को सुधार नहीं सकता कभी भी, और ड्रामा वो प्लेटफॉर्म भी नहीं है जिससे आप समाज सुधार का काम कर सकें। तो जितना आपने किया है वो बहुत बेहतर किया है। आपके साथ जो साहब बैठे हुए हैं, जिस तरह दवाखानों में और शफाखानों में एक इमरजेंसी में लोग मरीज़ को लेके आते हैं, हमीद भाई मेरे फेवरेट, लेकिन बहुत अच्छे लिखते हैं, और क्या फिक्रे जुमले कहानियाँ बहुत अच्छी हैं, मगर टेलीविज़न का कमाल है कि जब आपका लिखा हुआ ड्रामा या आपका लिखा हुआ सीरियल कोई या सीरीज़ सेंसर से पास नहीं होता, या सीना का नहीं होता या बजिया का नहीं होता, कहते कि नहीं जी ये इन हालात में ठीक नहीं है, तो सबको जवानी नंबर याद है हमीद का, शुक्रिया
और हमीद भाई की शराफत ये कि पहले तो इनकार करते मगर फिर मजबूरी में लिखते, उस पर भी सेंसर होता है। हमीद भाई कितनी मरतबा हुआ आपके साथ ऐसा? मेरा ख्याल है मेरे साथ हमेशा यूं ही हुआ, और मैं समझता हूँ कि मैं टेलीविज़न के अंदर एमरजेंसी की वजह से सर्वाइव कर रहा हूँ। और मुझसे अक्सर प्रोड्यूसर कहते हैं कि हमीद भाई कोई प्रपोजल दे दो, मैंने कहा नहीं, अगले क्वार्टर में कोई एमरजेंसी आन पड़ेगी तो मैं हाजिर रहूँगा आपके लिए। इसलिए जब मैं प्रपोजल दूंगा तो वो प्रपोजल जाएगा, वहाँ कुछ लोग बैठेंगे, देखेंगे, नोक पलक दुरुस्त करेंगे, वापस आएगा, फिर उसकी तरमीम होगी, फिर पायलट बनेगा, फिर पायलट देखेंगे, फिर वापस आएगा। प्रोसेस उसका बड़ा लंबा है। एमरजेंसी में ये है कि हर क्वार्टर में एक एमरजेंसी हो जाती है, वो कहते हैं और सिर्फ हमीद कश्मीर कर सकता है ये बस। अच्छा, जिस ज़माने में यहाँ मुल्क में एमरजेंसी लगी थी तो उस ज़माने मुसलसल लिख रहे थे आप? नहीं, उससे पहले भी लिख रहा था। मेरा ख्याल है कि ये इसी से मुतासर होकर मैंने एमरजेंसी वार्ड एक 18 सीरियल का एपिसोड का सीरियल किया था। अच्छा, तो आमतौर से टेलीविज़न वालों की मेहरबानी है कि वो ये कहते हैं कि हम आप पर एतमाद करते हैं, ये उनकी मेहरबानी है कि मुझ पर एतमाद कर लेते हैं। अगर 8 दिन में या 10 दिन में उनको सीरियल शुरू करनी होती है तो वो कहते हैं कि ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं, और उस वक्त मैं बड़ा चहेता होता हूँ टेलीविज़न का, ये बड़ी मेहरबानी है उनकी। लेकिन मेरी गुजारिश ये रहती है कि कभी कभार आप मुझ पर उस वक्त भी इतमाद कर लिया करें जब मैं फुर्सत में होता हूँ। बहरहाल ये कि खुदा का शुक्र है कि मैंने कभी उनके इतमाद को ठेस नहीं पहुँचाई, और एमरजेंसी में जो कुछ भी लिखा, आप काफिया उससे शुरू कर रहे हैं, एमरजेंसी वार्ड, रंगे हिना की मैं आपको बात बताऊँ कि चौथे एपिसोड में जब मैंने उसका टाइटल देखा तो मैंने ज़हीर खान से कहा कि भाई ये टाइटल के बाहर चल रहा था, क्या फुर्सत ही नहीं मिली, 10 दिन की नोटिस हमने शुरू कर दिया था। तो मेरा मतलब कहने का कि जितने भी सीरियल अब तक मैंने किए 90% या 95% वो मैंने एमरजेंसी में किए। उनका कहना ही है कि एमरजेंसी में आप बहुत अच्छा लिखते हैं, अगर एमरजेंसी के अलावा अगर आपसे लिख पाएंगे तो शायद आप इतना अच्छा नहीं लग लिख सकें। तो मैंने कहा एक दफ़ा एक तजर्बा करके तो देखिए। मेरा नाम मंगूश है आपकी सीरियल। मेरा नाम मंगू जी। लोग बाजे कहते बच्चों की थी, मैं समझता हूँ बड़ों की थी। हाँ, वो मेरे पास जब आया था सीरियल तो वो बच्चों के हवाले से आया था, लेकिन अनवर बच्चों के लिए लिखना बहुत मुश्किल है, बड़ा फ्रिजाइल काम है ये। मेरा बड़ा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि मैं अपने आप को बच्चों के मामले में बहुत ही हेल्पलेस महसूस करता हूँ। खुदा का शुक्र है कि वो बड़ों के लिए मैंने लिखा उसे और वो क्लिक हो गई। आज तक जिन लोगों ने देखी उन्हें याद है वो मेरा नाम मंगू और वो करेक्टर्स उसके सारे मैं चलूँ। इतराफ अभी सीरियल रिसेंटली मेरे पास आया था, उसमें की कहानी कुछ और थी, लेकिन मैंने जब कराची के मौजूदा हालात थे जी। तो मैंने उसको उधर रुख मोड़ दिया उसका, और वो खुदा का शुक्र है कि वो भी क्लिक हो गई। आपने देखा कि वो लोगों ने बड़े ज़ौक शौक से देखा। और दरअसल तो वैसा है अनवर कि मैं जब मुझसे कुछ लिखने के लिए कहा जाता है ड्रामे मेरे जैसे खेत के थैली हो या पतझड़ के बाद हो या इतराफ हो या मेरा नाम मंगू हो या काफ़िया हो, तो जो कुछ भी आप कह लें, मैं किताबों के अलमारी की तरफ जाने के बजाय मैं सड़कों में, गलियों में, कूचों में, बाजारों में, लोगों घरों में चले जाता हूँ। आजकल मत निकलिएगा, फिर कोई और लिखेगा। आजकल तो किताबों की तरफ ही जाए, गलियों बाजारों कूचों की तरफ गए तो मुश्किल तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये सही कहा आपने। अच्छा, तो ये वजह है कि मैंने थोड़ी सी ब्रेक लगा लिए। भजिया जी बताइए कि बच्चों के लिए आप, बच्चों को शिकायत है आप सबसे कि जी हमारे लिए जब कोई लिखने के लिए होता है तो बड़े राइटर जो है टीवी के वो अवॉइड करते हैं बच्चों के लिए लिखना, जैसे अभी अमित साहब ने कहा कि लिखना बहुत मुश्किल है बच्चों के लिए। तो भैया आपने तो शायद एक दो लिखे मगर फिर आपने छोड़ दिया बच्चों के लिए लिखना। भाई हुआ ये है कि जो हम जो टीवी वाले चाहते हैं वो हम करते हैं, जो हमारी पसंद होती है कभी कभी उसका भी ख्याल रखते हैं वो लोग। लेकिन ये बच्चों का मामला एक ऐसा कुछ खटाई में पड़ा टेलीविज़न के हवाले से कि मैंने पिंडी में जब शुरू हुआ है टेलीविज़न 67 वगैरह में जब मैंने काम शुरू किया है वहाँ पर, तो उस वक्त भी मैंने बच्चों के लिए एक शहर एक कहानी के नाम से कि थोड़ा सा किसी शहर का पस मंज़र भी पहुँच जाए, कहानी भी पहुँच जाए, वहाँ भी शुरू किया। कराची में भी 3-4 प्रोग्राम किए, 2-10 की सीरीज़ थी, और यहाँ भी एक शहर एक कहानी रिपीट हुआ था, कठपुतली का तमाशा था। मैंने अपनी तरफ से बड़ी जान लगा के कोशिश की, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि जिस प्रोग्राम पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, जिस प्रोग्राम को सबसे ज़्यादा मेहनत से करने की ज़रूरत है और तजर्बे के साथ करने की ज़रूरत है, उस प्रोग्राम पर कभी तवज्जो नहीं। मेरा ख्याल है भैया अनवर साहब शायद ये पॉलिसी टीवी की बनी है कि बच्चों के प्रोग्राम पर